हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी सेंटर टेबल को फिर से थोड़ा नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मेकओवर कर रही हूँ, जो कि एक तरह से DIY है, यानी मैं करके देख रही हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पे से जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर जो भी रखा हुआ था वो सब हटा लिया, इसे रिमूव कर लिया। इसे क्लीन करके इसको मुझे रीपेंट करना है और थोड़ा इसको सैंड से थोड़ा करके तैयार करना है, घिस के इसको। तो ये मैं यहाँ से ग्लास लगा हुआ था तो पहले ग्लास हटा दिया है मैंने। इस ग्लास पर भी मैं थोड़ा सा कुछ नया लुक देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसे फर्नीचर को, वैसे ये बहुत अच्छी लकड़ी है फर्नीचर काफ़ी, ये मेरी तो बस ये पुरानी है काफ़ी, तो मुझे लगा चलिए कुछ नया लुक देते हैं। और मैं अभी अपना लिविंग रूम का मेकओवर भी करने वाली थी, तो उसमें भी मुझे ये कलर थोड़ा डर लग रहा था। तो अभी मुझे बजट भी थोड़ा ऐसे था, मैं मुझे खरीदनी नहीं थी न्यू खरीदूंगी तो फिर और अच्छे से थोड़ी अच्छी खरीदूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इसको थोड़ा करके देखती हूँ। तो मैंने ये अमेज़ोन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे, ये ग्लास थे और मिरर के लुक वाले जो होते हैं ये, और ये मैंने वॉलपेपर मंगाया और इसका मार्बल जैसा कुछ टच था गोल्डन, मैंने इसे खास करके पसंद करके मंगाया। बस मेरी से गलती हो गई कि जब मैंने ऑर्डर करा तो मैंने, मेरे दिमाग में गोल्ड गोल्ड गोल्डन था, और जब मैंने मिरर मंगाए तो वो गोल्डन नहीं मंगाए, वो सिल्वर मंगाए। तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे कट करके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इस पर लगा लिया मैंने वॉलपेपर, और वॉलपेपर से थोड़ा नया सा लुक आ जाता है। वैसे मैं इसे ऊपर पेंट भी कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला, मैंने देखा था तो मैंने इसको लगाया। थोड़ी परेशानी हो रही थी लगाने में, क्योंकि ये साइड से जो इसकी एजेज है वो राउंड है, तो थोड़ा सा दिक्कत आई थी, फिर भी ये सही लग गया, अच्छा लग गया था फाइनल लास्ट में। तो इस तरह से अपना पुराना फर्नीचर, जैसे कभी मन करता है आप, जिन लोगों को शौक होता है थोड़ा इंटीरियर अपने चेंजेस करने का या कुछ इस तरह का, तो ऐसे आप थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम न्यू फर्नीचर में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ा आपने यूज़ कर लिया है और यूज़ करके उससे थोड़ा आप बोर हो गए, चाहते हैं कि कुछ नया उसमें चेंज आए, नया लुक दिया जाए, तो थोड़ा सा आप अपना माइंड का और थोड़ा सा अपना जो टैलेंट है आपको, जो थोड़ा आइडिया है चीज़ों को मेकओवर करने का, तो उससे हम कर सकते हैं। तो यहीं पर मैंने करने की यहाँ पे कोशिश की। अब आप बताएंगे कि ये मेकओवर जो है, ये चेंज जो है कैसा लग रहा है। चेंज हमेशा हम कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं, चेंज करके किसी उससे वर्स कंडीशन में तो नहीं जाते हैं, तो पहले से अच्छा ही लगना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे दोनों बड़ी बेटी मुझे हेल्प कर रही थी, ये थोड़ा सा मिरर के ऊपर भी, ग्लास के ऊपर आ गया था, तो मैंने उसको बाद में अच्छे से नाइफ से कट करके बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ उसको हटा दिया, तो वो बिल्कुल जैसे सीधा आया, स्ट्रेट आया, एकदम तरह सा भी इधर उधर नहीं हुआ। तो देखिए आगे मैं इसमें क्या क्या डिटेलिंग कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है ये चेंज, ये मेकओवर, तो आप इसे लाइक करिए, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो उसे अब कमेंट करिए आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पर मैं ये रख कर देख रही थी मिरर की किस तरह से ये अच्छे लगेंगे, हम डिज़ाइन सोच रहे थे कि कैसे रखें, तो फिर जब पूरा सेट हो गया उसके बाद मैंने ये लगाना शुरू किया था। तो इसे देखिए और बताइए कि मैंने ये चेंज कैसे किया और कैसा लग रहा है। बाय।